मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही हो। क्योंकि मैं नाराज हूँ तुमसे। तुम्हारी इस नाराजगी की वजह जान सकता हूँ? शादी में कितने लोग मेरी तारीफ कर रहे थे कि मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, और तुम हो, तुम्हारे पास तो दो शब्द तक नहीं है ना अपनी बीवी के तारीफ में। भाई, तारीफ उसकी की जाती है जिसकी खूबसूरती शब्दों में बयान की जा सके, और तुम्हारी तारीफ के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिलते। देखा वैभव, लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, उन्हें ऐसे ही खांसी आती है। क्या क्या हुआ वैभव, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। मेरी भी अटक रही है। जीत, 25 और 26 को सिंगापुर में क्रिमिनल साइकोलॉजी पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। मैं चाहता हूं कि तुम और दया वहां होकर आओ। मॉर्निंग सर। तुम दोनों इतनी जल्दी सुबह सुबह? सर, मैं तो बस अभी अभी आई, पर पंकज शायद को ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। अच्छा सर, मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है। नहीं नहीं, काम करो, जाओ थोड़ा जल्दी। लैपटॉप घर। पंकज क्यों आया था इतनी जल्दी? क्या कर रहा था वो? सर, एक्चुअली जब मैं ब्यूरो में आई तब मैंने देखा कि ये हेलो। हाँ सूरज सर, हाँ आपने जैसे कहा था मैं वैसे ही कर रहा हूँ। नहीं सर, ब्यूरो में मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। हाँ सर, सारी डेटा कॉपी हो रही है। सर कोई आ रहा है, मुझे आपको दो मिनट फोन करने दो। कौन है वहाँ? पंकज। अरे श्रेया, तुम कब आई? क्या कर रहे थे तुम यहाँ? मैं योगा कर रहा था, बैठे बैठे ना थोड़ा पीठ अकड़ गई थी तो। टेबल के पीछे। आप तो योगा तो कहीं भी कर सकते हैं ना? सर मुझे पूरा यकीन है ये कुछ गड़बड़ कर रहा था। सर मुझे भी लग रहा है ये सूरज और पंकज कोई टेढ़ी खीर पका रहे हैं। हाँ सर, कभी ये दोनों लैपटॉप तोड़ देते हैं, कभी सबूत को छुपाने की कोशिश करते हैं। सर ऐसा लगता है जैसे ये केस को सुलझाना नहीं, उलझाना चाहते हैं। ये बात मेरे भी ध्यान में आई है काफी दिनों से, मगर क्या करें। सर ये लोग जहां से आए हैं वहीं वापस भेज दीजिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वापस भेजने में कोई हर्ज नहीं है अभी, लेकिन ये लोग तो डीसीपी चित्रोली के टट्टू है ना, उन्हें अगर वापस भेज दिया ना तो डीसीपी चित्रोले यहाँ हमारे ब्यूरो में आकर तांडव करेगा। सीआईडी ब्यूरो, क्या दो लाशें मिली हैं? कहाँ पे? तो तुम लोग श्याम नगर का रास्ता पूछ रहे थे। वो सर हम लोग रास्ता भटक गए थे, तभी मैंने ये गाड़ी देखी। दीपक स्टॉप द कार। क्या हुआ? वहाँ एक कार खड़ी है।
शायद कार वाले को पता हो कि श्यामनगर का रास्ता कहाँ पड़ेगा। हाँ उससे पूछते हैं, गुड आइडिया। मैं देखता हूँ। भाई साहब ये श्यामनगर का रास्ता किधर होगा? हेलो भाई साहब, हेलो, ओह माय गॉड, गाइस क्या हुआ? क्या हुआ? दो दो लाशें देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। गाड़ी के आसपास किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर, आसपास कोई नहीं था। सर अपूर्वी, सर इसके कान पे ये जो निशान है, लगता है किसी ने इयररिंग खींच के निकाला है। सर इसके गले पर भी एक निशान है। सर लगता है मामला लूटपाट का है। अपूर्वी सर, ये गहने वगैरह शरीर के ऊपर के हिस्से से गायब है। ये पैर में बिच्छू और पायल वैसे के वैसे ही, मतलब खूनी गाड़ी के खिड़की से उसने इस जुर्म को अंजाम दिया है। सर इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने कितने सपने देखे होंगे सर एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के लिए, और किसी खूनी ने सिर्फ चोरी करने के लिए इन दोनों को मार दिया। खूनी तुम्हारे तरह भावुक नहीं होते पंकज, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरों का नहीं। कि शरीर पे कहीं भी चोट या जख्म का कोई निशान नहीं है। इन दोनों के पैर के नीचे ये नीला पड़ गया, लगता है इन दोनों को जहर दिया गया। सर सर देखिए, इस गाड़ी से पेट्रोल पंप की रसीद मिली है। कल रात इन लोगों ने किसी पेट्रोल पंप से 2000 का पेट्रोल भरवाया था। इस पेट्रोल पंप में चल के पता करते हैं, शायद वहां से पता चल जाए कि इन दोनों को जहर किसने दिया था। बोलो साहब कितने का डालूं? आज सुबह ही टैंक फुल किया है। इतना जल्दी पेट्रोल खत्म हो गया? गाड़ी का एवरेज खराब है क्या? सीआईडी की गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा है। फिलहाल तुम इस गाड़ी के बारे में बताओ। हाँ साहब ये पर्ची तो हमारे यहाँ की है। हाँ इस कार में पेट्रोल कल रात यहीं पे डाला गया था। हाँ साहब भराया तो था। पप्पू जी क्या बात है? पप्पू कौन है? साहब ये लोग सीआईडी से किसी कार के बारे में पूछ रहे हैं। सीआईडी क्या बात है सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इस कार में जो हस्बैंड वाइफ कल जा रहे थे उन दोनों का खून हुआ। खून किसने किया? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या बता सकते हैं कि इनके साथ कोई और भी था या ये दोनों ही थे? मैं तो नहीं मालूम सर, लेकिन हाँ गिरीश बता सकता है। कौन गिरीश? वो नाइट की शिफ्ट में काम करता है। जरा इस गिरीश को बुलाना। सॉरी सर वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में क्यों? वो कल रात को 12:15 बजे के आसपास अचानक वो गिर गया और बेहोश हो गया। बेहोश हो गया कैसे? पता नहीं साहब, उसे चक्कर आने लगे थे। इससे पहले कि हम लोग को समझ पाते वो धड़ाम से नीचे गिर गया। मुझे लगा कि बेचारा दो दो शिफ्ट में काम कर रहा था इसलिए थकान की वजह से ऐसा हो गया हो। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है ये? शांति शिविर हॉस्पिटल। शांति शिविर हॉस्पिटल। सर ये वैभव और शिखा ये लोग एक शादी से लौट रहे थे सर जब इन पे हमला हुआ। और सर हमला होने से पहले रात करीब 12 बजे ये लोग एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे जहां एक अटेंडेंट गिरीश ने इनकी गाड़ी में पेट्रोल डाला और इनके जाने के बाद वो बेहोश हो गया और हॉस्पिटल पहुंच गया। अभिजीत ये पेट्रोल अटेंडेंट गिरीश का बेहोश होना और फिर उसके बाद में वैभव और शिखा इन दोनों पर हमला होकर उनकी भी मौत होना, इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन तो नहीं? सर मैं अभी अभी हॉस्पिटल में गिरीश को मिलकर आ रही हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी बेहोशी की वजह थकान नहीं, कोई जहरीला केमिकल है, कोई जहरीली गैस। तो
भी अभिजीत, इसका मतलब है कि ये दोनों शादीशुदा इसी जहरीले गैस के चपेट में थे और इन्हीं के जरिए इस गिरीश तक ये जहरीला गैस पहुंच गया। हाँ सर, गिरीश बच गया क्योंकि वो वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन वैभव और शिखा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मगर ये जहर है कौन सा, है कौन सा ये जहर जो दो मिनट में आदमी दम तोड़ दे? सर हाँ। सर इस जहर का नाम है सोडियम ब्यूरोक्साइटिस। हेलो तारिका जी। सोडियम ब्यूरोक्साइटिस? हाँ सर, ये जहरीला केमिकल मुझे वैभव और शिखा के फेफड़ों से मिला है। फेफड़ों में मिला है तो इसका मतलब है अभिजीत कि दोनों ही ये जहर किसी चीज से सूंघा है या फिर सूंघाया गया है। हाँ सर, क्योंकि बॉडीज में इंजेक्शन वगैरह का तो कोई निशान नहीं मिला है मुझे। वही तो। और पेट में खाने पीने में कोई जहर नहीं मिला? पंकज, जब डॉक्टर तारिका कह रही है कि जहर सिर्फ फेफड़ों में था तो उल्टे सीधे सवाल पूछ के परेशान मत करो इनको, मालूम है कितनी मेहनत लगती है सब ढूंढने में। अरे आप थक गई होंगी, मैं कुछ मंगाऊं आपके लिए? फिर कभी अभिजीत, आज थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि सालों के सर पूना गए ना, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। सालों के सब पूना गए हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब दिन रात काम करके थक गए हैं बेचारे, पुणे गए हैं तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। हेलो, दो खून कहां पे? एक ही दिन में चार चार खून, मैंने भी ठीक वैसे ही मारा गया जैसे वैभव और शिखा को। तुमने फोन किया था हमें? जी हाँ सर, मैंने फोन किया था। क्या हुआ था यहाँ पे? सुबह सुबह काम पे जा रहा था, गाड़ी को देखकर शक सा हुआ, झांक कर देखा तो दोनों मरे पड़े थे। नहीं पे रहते? हाँ सर। ठीक है जाओ। सर इस खूनी को जल्दी से पकड़ना होगा सर, कहीं और मासूमों की जान ना चली जाए। सर, सर खूनी उन्हीं लोगों पे हमला करता है जो लोग देर रात शादी से घर लौट रहे होते हैं, क्योंकि शादी में अक्सर लोग कीमती गहने वगैरह पहन के जाते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि खूनी जरूर शादी के खाने में जहर मिलाता होगा। नहीं पंकज, डॉक्टर तारिका ने बताया कि वैभव और शिखा के फेफड़ों में जहर मिला था, तो हो सकता है इन्हें भी जहर सुंघाया गया, या फिर सर शादी से निकलने के बाद रास्ते में लोग कहीं रुके हों और वहीं ने जहर दे दिया गया। हो सकता है। ये क्या? GPS सिस्टम? वो भी ऑन है, अब पता चल जाएगा ये जहर इन दोनों को कब और कहां दिया गया था। वो कैसे सर? पंकज, ये GPS टेक्निक लोग गाड़ी चलाते वक्त इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, कहां पे कम ट्रैफिक होता है। GPS सिस्टम से हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि ये गाड़ी इस रास्ते पे आई कहां से और ये कहीं पे रुकी थी या नहीं। सर? हाँ? सर GPS कंपनी से उस दूसरे कपल की कार का रिकॉर्ड मिल गया। चलो दिखा जल्दी। ये देखो अभिजीत, ये है वो शादी का हॉल, इसे हम पॉइंट ए कहते हैं। ये देखो, ये है पॉइंट बी, यहां पर इन दोनों की मौत हुई। सर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच ये गाड़ी कहीं रुकी नहीं है, इसका मतलब इन दोनों को जहर शादी के हॉल में ही दिया गया है। एग्जैक्टली अभिजीत, ऐसा ही हुआ होगा। ये वैभव और शिखा ये दोनों भी तो इसी हॉल में गए थे शादी के लिए। अभिजीत, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वहां पर कोई तो है
कोई तो है वहां प्रज्ञा बैंक्वेट्स में जिसने इन लोगों को ये जहर सुंघाया है किसी तरह से। आसपास नजर रखना। अरे प्रकाश जी नमस्ते। ओ आइए सर, हम कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सर आज मेरे इकलौते बेटे की शादी है और उसमें आप ये सीआईडी वालों की तहकीकात, बड़ी टेंशन हो रही है सर। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। फिर भी सर डर तो लगा हुआ है ना? निश्चिंत रहिए आप, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना, और आपके सहयोग से ही आपके एक मेहमान की जान बचा पाएंगे हम। जी सर। हम लोग दूल्हा दुल्हन से मिल लेते हैं। नमस्ते। बधाई हो कुमार साहब। आइए आइए ऋषभ जी, रसना जी वेलकम। थैंक यू, बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद जी, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, हमारे लिए तो ये बड़े सम्मान की बात है। अरे कुमार साहब, आते कैसे नहीं, शादी जैसे बंधन में इंसान रोज रोज थोड़ी फंसता है ना? अच्छा, खूब समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। अब चले, दूल्हा दुल्हन से नहीं मिलना है, चलिए प्लीज। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। भाई साहब जरा देख कर चलिए। माफ कीजिएगा, वैसे मेरा नाम अमित है। हमारा नाम हर्ष है और ये है मैं इनकी पत्नी रचना। बहुत खूबसूरत है जी। मतलब क्या है आपका? गलत मत समझिए, मैं इनके हार की बात कर रहा था। ये पूरे 10 लाख का है। वो क्या है ना कि 6 महीने पहले हमारी शादी की सालगिरह थी, ये भूल गए तो सजा के तौर पे मैंने इनसे ये हार मांग दिया। कितनी बार समझाया है तुम्हें, हर जगह 10 लाख का ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है। वाह भाई वाह, लगता है आप दोनों में बहुत ही प्यार है। जबरदस्ती मतलब जबरदस्त प्रेम है हमारे बीच में। लेडीज एंड जेंटलमैन, शादी के माहौल में तब तक रंग नहीं जमता है जब तक लोग झूमेंगे नहीं, नाचेंगे नहीं, तो अब वक्त हो चला है इस खुशियों को संगीतमय बनाने का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस गीता का, जो अपनी मधुर आवाज से आप सभी का मन मोह लेगी। मिस गीता। ये लीजिए। व्हाट दोगे सब? दिखाई नहीं देगा तुम्हें? हाँ सब ठीक है, घूम रहे हो क्या? इसे देखो हमसे आगे टकरा रहा है यहाँ। भाई वो जहरीला केमिकल इन फूलों में तो नहीं है? ये सब गलती होगी सब। क्या क्या किया ये सब? मैंने जानबूझ के नहीं किया सब। गलती हुई है, जानबूझ के किया पता चल जाएगा। जहरीले फूलों से लोगों की जान लेता तू हाँ, और फिर उन्हें लूटता है। सब आप कैसी बात कर रहे हैं सब? मैं वेटर हूँ सर, मैं खूनी नहीं हूँ सब। चुप, फ्रेडी इसे ब्यूरो लेके जाओ, अच्छी तरह से खातिरदारी करो इसकी। फ्रेडी चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चल तेरा खेल खत्म, चलो। मेरी बात कर, मैंने कुछ भी नहीं किया सब। ये सब क्या था कुमार जी? कुछ नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। ओह नो, रेडी, ए, उठ। सर, सर, लेकिन तुम दोनों को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, निकालो उन्हें।
सर। डॉक्टर आप कैसी तबीयत है फ्रेडी और उस वेटर राजू की? इन्होंने शायद कोई जहरीली गैस सूंघ ली थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। हम फ्रेडी से मिल सकते हैं? देखिए फिलहाल वो होश में नहीं है, मैंने उन दोनों को नींद का इंजेक्शन दिया है, दोपहर तक होश आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। सर जरूर ही वही जहरीली गैस है जिससे उन शादीशुदा जोड़ों को मारा जा रहा है। मैं डॉक्टर तारिका ने तो कहा कि जो फूल श्रेया और विनीत पे गिरा था उसमें कोई जहरीला केमिकल नहीं था। इसका मतलब है वो जहरीला केमिकल उस गाड़ी में ही था। लेकिन सर उस गाड़ी की चाबी हमने किसी भी बैंक्वेट के स्टाफ मेंबर को नहीं दी थी, तो फिर? अब इन सारे सवालों का जवाब उस गाड़ी से ही मिलेगा। कुछ पता चला किशोर? गाड़ी के अंदर वो जहरीली गैस कहां से गई होगी? नहीं साहब, मैकेनिक की नजर से देखकर लगता नहीं है कि इस गाड़ी से किसी ने छेड़छाड़ की है, सब कुछ एकदम बरोबर है। तुमने अच्छी तरह से तो चेक किया है ना बारीकी से? साहब एकदम बरोबर है। सफेद क्या है किशोर, कुछ लगा है क्या? नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ गाड़ी चेक करी है। तो मेटल पाउडर जैसा कुछ है। ये चक्कर है। क्या है सर? देखो खुद ही देख लो। सर इतना बारीक छेद तो मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिख सकता है। पहले यहाँ दरवाजे पे किसी ने ड्रिल मशीन से छेद किया और फिर उस छेद के जरिए अंदर वो जहरीली गैस डाल दी गई। लेकिन सर ये ड्रिल मशीन तो बिजली से ही चलती है ना? अगर उसने ड्रिल मशीन का कनेक्शन किसी और वायर के थ्रू कहीं किया होगा तो किसी ने तो उसे देख ही लिया होगा। ये भी तो हो सकता है कि ड्रिल मशीन बिजली से नहीं बल्कि बैटरी से चलती है, सब कुछ पोर्टेबल है। हेलो, हाँ बोलिए। क्या निशान? अच्छा ठीक है, उसकी फोटो, एड्रेस, सेल नंबर और सारी डिटेल्स मुझे भेज दो। ओके थैंक यू। क्या हुआ सर? प्रज्ञा बैंक्वेट हॉल का दरबान निशान वो गायब है ना, वो काम पे आ रहा है ना ही फोन कॉल उठा रहा है। सर ये सब किया धरा उस निशान पे तो नहीं? अब ये तो उस दुकान से ही पता चलेगा जहाँ पे ये खास बैटरी वाली ड्रिल मशीन मिलती है। पता करो कहाँ कहाँ ऐसी ड्रिल मशीनें मिलती हैं। निखिल लगता है ये वही डिस्ट्रीब्यूटर है जो वो ड्रिल मशीन बेचता है। चलो सुनिए, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। बैटरी से चलने वाली शक्तिशाली ड्रिल मशीन्स पूरे शहर में सिर्फ आप ही की दुकान पे मिलती है ना? जी, होलसेल की बस मेरी ही दुकान है उन ड्रिल मशीन्स की, और कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो जिन दुकानों को आप ये मशीन्स बेचते हैं एक दो पीसेस तो बेचते नहीं होंगे, कम से कम 15-20 पीसेस बेचते होंगे। जी बिल्कुल। तो पिछले कुछ दिनों में आपने इस तरह बैटरी से चलने वाली ड्रिल मशीन अगर बेची है तो किसको बेची, याद है कुछ आपको? सर मैंने तो नहीं बेची, लेकिन मेरी दुकान पे एक छोटू नाम का लड़का काम करता था, उसे एक ग्राहक ने 500 रुपए ज्यादा का लालच दिया, उसे उस मूर्ख ने बेच दी। छोटू बुलाओ सर। जी मैंने उसे निकाल दिया। काम से निकाल दिया? तो क्या आप उस ग्राहक को पहचानते हैं? जी बिल्कुल, वो पहले मेरे पास आया था, जब मैंने उसे मना कर दिया तब शाम को दोबारा आया, जब मैं दुकान पे नहीं था तब छोटू ने उसे दे दी। ये यही था वो?
हाँ यही तो है वो। मतलब निशान थी वो है जो एक के बाद एक खून किए जा रहा है। लगता है अपने परिवार के साथ 9-11 हो गया। तलाशी लो घर की अच्छी तरह से। निशांत और निशांत की बीवी। तो ये है वो पोर्टेबल ड्रिल मशीन जिसे उस कार के दरवाजे पे छेद किया गया। सर अविनीत सर ये देखिए नई वॉशिंग मशीन नया टीवी और सारा नया नया सामान खरीदा है इस निशांत ने। सर एक दरबान अचानक इतनी कीमती चीजें तभी खरीद सकता है जब उसकी कोई बड़ी लॉटरी लगी हो या फिर वो गलत कामों में उलझा हुआ है। सर ये इयररिंग अंदर पड़ा हुआ मिला था, शायद शिखा का ही होगा। लगता है निशांत घाई घाई में सामान पैक करते समय ये इयररिंग पैक करना भूल गया। हाँ सर मुझे लगता है शादी के हॉल में हमें देखकर उसकी हालत पतली हो गई, अपना सारा नया सामान छोड़कर यहाँ से चक्कर हो गया हो। और उड़ के कबूतर कहाँ तक उड़ेगा? एक काम करो मोबाइल कंपनी से पता करो कि कबूतर इस वक्त कहाँ है। सर आखिरी बार निशान का मोबाइल यहीं पर था। यहाँ पे ये देखो मोबाइल तोड़ दिया गया है, इसमें तो सिम कार्ड भी नहीं। सर हाँ देखिए सर फावड़ा पड़ा हुआ है, मिट्टी भी लगी हुई इस पर ताजी। एक काम करो आसपास देखो कहीं खुदाई का काम हुआ है क्या। सर ये देखिए सर यहाँ मिट्टी खुदी हुई है। खोदो यहाँ। सर हटाओ इसे। एक मिनट लाश है बाहर निकालो इसे।
संभाल के। सर ये निशांत है। निशांत सर, इस केस से तो मेरा सर चकरा गया। अब इस निशांत को किसने मारा होगा? उसी ने जिसने ये सारे खून किए हैं और चोरियां की हैं। उसने इस निशान का इस्तेमाल किया सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए। हाँ तरीका, क्या पता चला इनके बारे में? सर मुझे दो बातें पता चली है जो आप लोगों को खूनी के काफी करीब ले जा सकती है। वो क्या? तो ये देखिए, इसके गले पे ये खरोचों के निशान जो शायद खूनी के साथ हाथापाई की वजह से हो गए हो। सर उस जंगल में जहाँ पे हमें निशान की बॉडी मिली थी वहाँ पे हमें निशान का टूटा हुआ मोबाइल भी मिला था। कहीं इस हाथापाई की वजह से तो वो नहीं टूटा? हो सकता है, मगर ये खरोचों हमें खूनी तक कैसे पहुंचाएंगी? क्योंकि सर इन खरोचों से ये पता चल रहा है कि खूनी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। लड़की है? वो कैसे? सर इन खरोचों के अंदर मुझे नेल पॉलिश के ट्रेसेस कुछ अंश मिले, और सिर्फ इतना ही नहीं निशांत के नाखूनों में मुझे चमड़ी मिली है जिसकी डीएनए रिपोर्ट भी यही बता रही है कि खूनी एक लड़की है। नेल पॉलिश की ट्रेसेस मिले, और दूसरी बात क्या है? वो ये कि इसे भी वही जहरीला केमिकल दिया गया था जिससे उन शादीशुदा जोड़ों का खून किया गया था। मतलब इस सारे के पीछे एक ही औरत है, एक ही औरत जिसने वो सबूत भी निशान के घर में रखे और फिर इसे जंगल में बुलाकर मार डाला। और ये सारा का सारा काम इतनी सफाई के साथ किया कि पूरा शक निशान पे जाए। सर हो सकता है इस निशान की बीवी उसी औरत के कब्जे में हो? हो सकता है श्रेया, हो सकता है। हो ना हो, ये कोई औरत ही है उस होटल की स्टाफ मेंबर जिसने सारा खेल रचाया है। सचिन काम करो, प्रज्ञा बैंकेट से फोन करके पता लगाओ क्या कोई स्टाफ मेंबर है, कोई औरत जो छुट्टी पर है किसी कारण। हेलो, हाँ मैनेजर साहब जी। अच्छा ये बताइए कि आपके फीमेल स्टाफ के कोई मेंबर कल से छुट्टी पे है क्या? जी क्या? ओके, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। मैनेजर के हिसाब से एक लड़की है जो कल अचानक छुट्टी पे निकल गई। मतलब कोई तो औरत है होटल की स्टाफ जो छुट्टी पर है। बोलना है इसलिए खोल दूं? ले, आप मुझे छोड़ दो। निशांत तो तुम्हारे इशारों पे कठपुतलियों की तरह नाचता है ना, और तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो चाहती थी मुझे तो वो मिल ही गया है। अब तो बस एक खूबसूरत सी जगह जाकर सुकून की जिंदगी जीनी है। जब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है तो मुझे मेरे निशान के पास जाने दो ना। अच्छा अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो तू चाहती है, निशांत के पास जाना है ना तुझे। निशांत कहाँ गया मेरे निशांत? क्या किया तुमने निशांत के साथ? मार डाला, मार डाला मैंने उसे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, मत करो ऐसे, नहीं मत करो ऐसे, मत करो ऐसे, मत करो तुम।
बहुत हो गया गीता जी, अब तुम्हारा खेल खत्म। खेल? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। बहुत शौक चढ़ा है ना खेल खेलने का। मैंने ही किया ये सब, इन सभी हत्याओं के पीछे मेरा ही हाथ है, क्योंकि मैं सोना लूटना चाहती थी, अमीर बनना चाहती थी। अमीर बनने के लिए, पैसा पाने के लिए पांच पांच खून किए तुमने, क्या यही एक रास्ता था तुम्हारे पास अमीर बनने का? ऐसा नहीं है सर कि मैंने शराफत का रास्ता नहीं अपनाया, पर मुझे मिला क्या शराफत और मेहनत के बदले? क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? एक अमीर इंसान के यहाँ मैं काम करती थी, एक दिन उसके यहाँ सोने की चोरी हुई और उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। वो तो सबूत ना होने की वजह से मैं बच गई, वरना मैं भी जेल में होती इस वक्त। और इसलिए तुमने वो बैंक्वेट हॉल ज्वाइन कर लिया, वहाँ गाना गाने लगी, ताकि तुम अमीर लोगों पर नजर रख सको और फिर उन्हें अपना शिकार बना सको। हाँ सर, मैं उनमें से अपना शिकार चुनती और निशान को खबर कर देती। जब लोग मेरा गाना सुन रहे होते तब निशांत अपना खेल शुरू करता, मौत का खेल। वो पार्किंग लॉट में जाता और ड्रिल मशीन के जरिए कार में छेद करता। हाँ मैम साहब, हाँ ठीक है, काम हो गया मैम साहब। हाँ हाँ हाँ, देख लिया मैंने। ओके मैम। जरा ध्यान रखना, मैं आता हूँ। ठीक है। जैसे ही हमारी चुनी हुई कार शादी से निकलती, मैं और निशांत उसका पीछा करने लगते। जहरीला केमिकल आधे घंटे में अपना असर दिखाता था और कार में बैठे लोगों का दम घुटने लगता। वो लोग खिड़कियां खोल देते ताकि खुली हवा में सांस ले सके, और तब मैं वहां पहुंचकर उनके सारे गहने और जेवर लूट लेती थी। निशांत तो तुम्हारे लिए काम कर रहा था ना, फिर उसे क्यों मारा तुमने? सारा दिमाग मैं लगाती, प्लान मैं बनाती, और आए दिन वो बस अपना हिस्सा बढ़ाने की बात करता। और वैसे भी मैंने तो उसे बस एक जरिए की तरह इस्तेमाल किया, एक मोहरे की तरह, ताकि सीआईडी का शक उस पर जाए। जब मेरा काम खत्म हो गया तो मैंने उसे भी मार दिया। वाह रे वाह, अगर इतना ही दिमाग, इतनी ही मेहनत किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करती तो वैसे ही पैसा कमा लेती, पर नहीं, पांच पांच खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।